बस्ती जनपद के कुदरहा ब्लॉक के गोसैसीपुर गांव का कोटेदार पिछले एक वर्ष से अपने मनमाने तरीके से राशन वितरित कर रहा है, जिससे रईस अहमद सहित करीब 150 पात्र गृहस्थी कार्डधारक परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं विनय कुमार और यह मेरा समुदाय। हम लोग की समस्या है राशन की। राशन हम लोग को टाइम से मिल नहीं रहा है, और राशन अगर मिल भी रहा है तो वही 15 किलो में देते हैं तो 100 रुपया ले रहे हैं। तो हमारा जब पात्र गृहस्थी में नाम आ गया तो हम उनके पास गए लेने के लिए। अगर हमारा मिल रहा है, जो हमको 25 ही किलो मिल रहा है, तो हमको 25 ही किलो दो, बाकी जो हमारा रेट है वो रेट पे हमको चाहिए। ऐसा कितने वर्षों से हो रहा है? ये साल भर से हो रहा है। ऐसे जब से नया रेट निकला हुआ है तब से हम लोग जान रहे हैं कि हाँ 2-3 रुपये में मिल रहा है। समस्या यह है कि मतलब टाइम से राशन नहीं मिलत। मिलबो करत है तो झगड़ा वड़ा किए मिलत है 2-3 महीना पे, और वो 6 रुपया किलो के हिसाब से मिलत है। 25 किलो का 150 रुपया ले ली थी। बस यह समस्या बा। समस्या मतलब सुलझ जाइए ऐसे कि जैसे कि 3 रुपया किलो चावल दें, 2 रुपया किलो गेहूँ दें, बस और कोनो समस्या नहीं। यह समस्या बा। मैं और समुदाय चाहता है कि हमको राशन नियम व नियमानुसार समय पर मिले। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि बस्ती सदर तहसील के SDM के मोबाइल नंबर 9454415903 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि लोगों के समस्या का समाधान हो सके। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नहरड के लिए।